दोस्तों यार, अब आपको WhatsApp पर डरकर किसी से चैटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर गाइस क्या होता है, जब भी आप किसी से WhatsApp पर पर्सनली चैटिंग करते हैं तो भाई आप चाहते हैं कि आप दोनों की चैटिंग किसी तीसरे शख्स को पता ना चले। ऐसे में भाई आपके फैमिली मेम्बर को पता ना चले, ये भी हो सकता है, एंड आपके दोस्त को पता ना चले, ये भी हो सकता है। अब आप क्या करते थे, अभी तक आप जिससे भी चैटिंग करते थे, आपने यहाँ बोला हाय हेलो, ठीक है, उस साइड से भी चैटिंग हो रही है, इस साइड से आप भी उसको चैटिंग कर रहे हैं। चैटिंग करते करते अक्सर आपका कोई मोबाइल छीन लेता है कि भाई मुझे थोड़ा आपका मोबाइल दे दो, एंड उसको ये वाली चैटिंग पता चल जाती है। एंड बहुत बार क्या होता है, आपने इससे चैटिंग की एंड आपने इसकी चैट को यहाँ पर डिलीट कर दिया, ताकि भाई ये शख्स ये कॉन्टैक्ट आपका यहाँ पर शो ना हो, कोई भी आपका मोबाइल बड़ी आसानी से चलाए, किसी को पता ना हो। ऐसा करके आप अपने फैमिली मेम्बर में किसी को भी अपना मोबाइल दे देती हैं। अब अक्सर क्या होता है भाई, जब आपने उसकी चैटिंग डिलीट करके मोबाइल आपने अपने फैमिली मेम्बर में किसी को भी दे दिया, तो अचानक उसी टाइम पर वो आपको मैसेज कर देता है। इससे भाई वो शख्स ऊपर सामने आ जाता है एंड आपके सबको पता चल जाता है कि भाई आप इससे चैटिंग करते हो। इसी प्रॉब्लम को आज की इस वीडियो में आपको सॉल्व करके बताने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी एक कॉन्टैक्ट को हाइड कैसे कर सकते हैं। 2 कॉन्टैक्ट, 10 कॉन्टैक्ट, 20 कॉन्टैक्ट, आपको जितने भी हाइड करनी है बिना किसी एप्लीकेशन में, आप अपनी नॉर्मल व्हाट्सएप में इसको हाइड कर सकते हैं। वो आपको कितने ही मैसेज करे, आप उससे कितनी ही चैट करो, किसी को पता नहीं चलेगा। वो वाला मैसेज मैं आपको जो हाइड करके बताऊंगा, वो सिंपली उसी जगह पर होगा जहां पर आप उसे रखना चाहते हैं। तो चलिए विदाउट आपका टाइम वेस्ट के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इससे पहले गाइस मैं आपको बता दूं कि ये वाला फीचर है जो अभी अभी व्हाट्सएप में आया है, तो आपको अपनी व्हाट्सएप को अपडेट कर लेना है। एंड व्हाट्सएप को अपडेट करने के बाद आपको आना है अपने नॉर्मली व्हाट्सएप के अंदर। अब जैसे मैं व्हाट्सएप के अंदर आ चुका हूँ, अब यहाँ मुझे किसी भी एक कॉन्टैक्ट को हाइड करना है। हाइड का मतलब कि भाई ए वाला ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है प्रमोद, ये मुझे यहाँ पर दिखाई ना दे, एंड मैं तब चाहूँ तभी इससे बात कर सकूँ, ए मुझे मैसेज कर सके, बट दूसरा कोई भी ए वाला मैसेज ना देख सके, ए वाला कॉन्टैक्ट ना देख सके। इसके लिए आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है, ना आपको इसके बायो के अंदर जाना है, ना कुछ ज़्यादा आपको सेटिंग करनी है। नॉर्मली सी आपको सिंपली इस पर क्लिक करके रखना है। जैसे आप इस पर लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो ऊपर आपके सामने बहुत सारे आइकन देखने को मिल जाएंगे। तो इनमें से गाइस आपको एक सेकेंड नंबर पर आइकन मिलेगा, यहाँ पर 3 डॉट के बगल में नीचे एक एरो का आइकन आपको दिख रहा होगा, एक बॉक्स में नीचे एरो का आइकन बना है। सो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, देख सकते हैं वो प्रमोद वाला यहाँ पर गायब हो चुका है। अब वो मुझे कितना ही मैसेज करे, कुछ भी करे, मैं जब चाहूँ तभी मैं उसकी चैट को देख सकता हूँ एंड वो मेरी देख सकता है, वरना कोई भी यहाँ पर स्वाइप अप करता रहेगा, कुछ भी करता रहेगा, किसी को दिखाई नहीं देगा। अब जैसे कि आपको उसकी चैटिंग देखनी है तो ऊपर आपको एक लिखा दिख रहा होगा अचीव्ड, तो सिंपली आपको इस अचीव्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर वो आपका कॉन्टैक्ट आ जाएगा जिसको आपने यहाँ पर हाइड करके रखा था। एंड मान के चलिए आपको इसको अनहाइड करना है, तो आपको फिर से इस पर लॉन्ग प्रेस करना है एंड ऊपर की साइड आपको ये एरो बन के आ जाएगा कोने में। सो आपको इस पर क्लिक करना है, जाके तहाँ वहाँ पर वो फिर से आ जाएगा। तो आशा करते हैं ये वाला फीचर आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें।